जय हिंद दोस्तों, मैं एजे आप लोग के अपने चैनल दोस्त आईक्यू में एक मज़ेदार वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कटप के बारे में। जी दोस्तों, कटप के बारे में, वो अभी किस राज्य के, मध्य प्रदेश के कटप के बारे में, वो डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करेंगे हम लोग कि किस ज़िले में कितना कटप जा सकता है। आप लोग नीचे देख सकते हैं, यह पार्ट वन है। पार्ट टू पार्ट थ्री देखने के लिए, यानी कि इसमें कुछ ही ज़िलों के नाम दिए गए हैं, अगले पार्ट में अगले यानी कुछ ज़िलों के नाम आएंगे। तो आप लोग कमेंट करिए अपने ज़िले का नाम और उससे रिलेटेड कटअप देखने के लिए। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जाएगा और आप अपने ज़िले के कटअप से रिलेटेड नहीं हो पाएंगे। अगर आप लोग कटअप देख लेते हैं अपने ज़िले के, तो आप लोग निश्चित हो जाएंगे और आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा और आप अगले जॉब के लिए तैयारी में लग जाएंगे। पता चल जाएगा होगा या नहीं होगा, वो क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये एक्सपेक्टेड है, काफ़ी सर्वे के बाद वीडियो बन रहा है। तो चलिए हम लोग फटाफट बात करते हैं वैकेंसी के ऊपर। जी दोस्तों, उससे पहले मैं आप लोगों को मध्य प्रदेश के हर एक कैटेगरी के सीट के बारे में थोड़ा डिटेल दे दूँ, उसके बाद हम लोग कटअप के ऊपर बात करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे EWS कैटेगरी की बात की जाए तो 292 सीटें हैं, जो काफ़ी अच्छी सीटें दी गई हैं। OBC के लिए बात की जाए तो 296 सीटें हैं, जो कम दी गई हैं, क्योंकि OBC कैटेगरी में ज़्यादा लड़के आते हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फाइट होने वाली है OBC कैटेगरी में। वही PWD A के लिए, PWD B के लिए और PWD C के लिए बात की जाए तो आप देख सकते हैं 33, 30, 29 इन लोगों की कटअप जाएगी। यानी कि PWD वालों के लिए काफ़ी अच्छी है, क्योंकि उन लोगों का कटअप काफ़ी अच्छा जाएगा। अब बात की जाए यहाँ पे SC कैटेगरी के, तो देख सकते हैं SC कैटेगरी की सीटें भी काफ़ी अच्छी जाएगी। यहाँ पे 428 सीटें हैं, मतलब इन लोगों का जो कट ऑफ होगा वो थोड़ा डाउन बन सकता है, क्योंकि सीटें इन लोगों की काफ़ी ज़्यादा है। ST की बात की जाए तो 566 है, जो काफ़ी अच्छी सीटें दी गई हैं। इन लोगों का भी कट ऑफ थोड़ी डाउन जा सकता है, क्योंकि सीटें यहाँ पे SC ST की ज़्यादा हैं और कुछ पिछले जो वैकेंसी गई है UP GDS, उसमें अधिकतर बच्चे चांस, जो मतलब जिनका मेरिट हाई था वो UP GDS में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो जो सीटें जो UP GDS में सिलेक्ट हो गया, अब उसका इसमें सिलेक्ट नहीं होगा, ये रूल है। तो अब हम लोग आप यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अब बात की जाए यहाँ पे UR यानी कि जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो 1139 सीटें हैं इसमें, मतलब काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं और इन लोग पे काफ़ी हाई फाइट जाने वाली है, क्योंकि जनरल की सीटें में काफ़ी हाई फाइट होता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके एक्सपेक्टेड कटअप के ऊपर। चलिए तो हम लोग बात करते हैं कटअप के ऊपर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, पहले मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दिख रहा होगा। यहाँ पे जनरल कैटेगरी है, यहाँ पे OBC कैटेगरी, यहाँ पे EWS कैटेगरी, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, PWD कैटेगरी। हम लोग फटाफट वीडियो में बहुत तेज़ी के साथ बोलेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और कोई प्रॉब्लम होगा तो वीडियो पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा। भोपाल की बात की जाए तो UR कैटेगरी यानी जनरल की बात की जाए तो 93 से लेकर 95 जा सकता है। OBC की बात की जाए तो 92 से 94। EWS कैटेगरी की बात की जाए तो 92+ में। जी दोस्तों, EWS कैटेगरी की बात की जाए 92+ में आप हैं तो 90% तक चांस बन जाता है आपका होने का। वही SC कैटेगरी की बात की जाए तो 89 से 92% में है तो आपका 90% तक चांस बन जाता है होने का। वही बात की जाए ST की तो देख सकते हैं 87 से 90 के बीच में है, और PWD की बात की जाए तो 85+ में आप हैं तो आप सेफ जोन में हैं। एक बात की जाए गोंडा की, तो गोंडा की देख सकते हैं जनरल की बात की जाए तो 93 से लेकर 96, और OBC की बात की जाए तो 92 से लेकर 95। EWS की बात की जाए तो 93+ में जाएगा, 93+ में है तो आप 90% तक सेफ हैं। अब बात की जाए यहाँ पे SC की, तो देख सकते हैं 90 से 92 जाएगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, मतलब गोंडा में बहुत ज़्यादा सीटें हैं, पर यहाँ पे कैटेगरी बहुत, मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा फार्म अप्लाई किया गया, इसलिए यहाँ की मेट काफ़ी हाई जा सकती है। बात की जाए ST की, तो देख सकते हैं 85 से लेकर 90 के बीच में है तो आपका 90% चांस बन जाता है। और PWD की बात की जाए तो, जी दोस्तों, PWD की बात की जाए तो 84+ में है तो आपका 95% तक चांस बन जाता है आपका होने का। अब बात की जाए इसमें देख सकते हैं और दो डिस्ट्रिक्ट के बारे में और हम लोग देखते हैं पहले। अब बात की जाए ग्वालियर के बारे में, ग्वालियर की बात की जाए तो देख सकते हैं 92 से लेकर 95 तक इन लोगों का मेरिट जा सकता है, और OBC की बात की जाए तो यहाँ पे 91 से लेकर 94 जा सकता है। EWS कैटेगरी की बात की जाए तो 92+ में जा सकता है। वही SC की बात की जाए तो 88 से लेकर 90+ में जाएगा। अगर 90+ में जाता है तो 90% तक सेफ आप हैं, मतलब 10% का रिस्क है कि आप प्रॉब्लम में पड़ सकते
सकते हैं। ST की बात की जाए तो देख सकते हैं 85 से लेकर 90 तक जाएगा, या 95% तक इन लोगों का चांस है होने का। वही PWD की बात की जाए तो 83+ में जा सकता है, क्योंकि ग्वालियर में PWD की सीटें काफ़ी अच्छी हैं। अब बात की जाए होशंगाबाद की, होशंगाबाद की बात की जाए तो जनरल की देख सकते हैं आप 93 से लेकर 95 जा सकता है, और OBC की बात की जाए तो 90 से लेकर 93% तक जाएगा, तो वो भी 90% तक इन लोगों का चांस है होने का। अब बात की जाए EWS कैटेगरी की, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना जा सकता है। EWS कैटेगरी की बात की जाए तो 91+ में जाएगा, जी दोस्तों 91+ में इन लोग का जा सकता है। SC की बात की जाए तो 89 से 90 तक जा सकता है, जी दोस्तों 89 से 90 तक इन लोगों का कटअप जा सकता है। ST की बात की जाए तो 87 से 90 तक जाएगा, और इन लोगों का 95% तक चांस हो जाता है इन लोगों का सिलेक्शन होने का। वही PWD कैटेगरी की बात की जाए तो 85+ में जा सकता है, और इन लोगों का 95% तक चांस बन जाता है होने का। अब हम लोग देख सकते हैं अगले डिस्ट्रिक्ट के बारे में, अगले डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम लोग बात की जाए तो देख सकते हैं मुरैना, मुरैना की बात की जाए तो जनरल 90 से 93 में है, तो आप लोगों का 90% तक चांस बनता है कंप्लीट इसमें होने का। अब यहाँ पे OBC की देख सकते हैं 89 से 92 जा सकती है। वही EWS कैटेगरी की बात की जाए तो 92+ जा सकता है, और SC की बात की जाए तो 87 से लेकर 90 के बीच में है, तो आपका 90% तक चांस बन जाता है इसमें होने का। अब बात की जाए यहाँ पे SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी देख सकते हैं 85 से लेकर 89 के बीच में है, तो आपका 95% तक चांस बन जाता है इसमें होने का। वही देख सकते हैं अगर आप PWD कैटेगरी के हैं तो आप 84+ में हैं, तो आपका 98% तक चांस बन जाता है इसमें होने का। वही आप बात की जाए विदिशा की बात की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं 91 से लेकर 94 के बीच में है, जी दोस्तों 91 से लेकर 94 के बीच में है, तो आप लोगों का 95% तक चांस बन जाता है, क्योंकि विदिशा में सीटें जनरल की काफ़ी ज़्यादा हैं। यहाँ पे बात की जाए OBC की तो 90 से लेकर 92 जाएगा, यहाँ पे OBC की 90 से 92 जाएगा, या इससे कम भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सीटें काफ़ी ज़्यादा OBC की हैं। 91+ जा सकता है EWS कैटेगरी की, जी दोस्तों 91+ EWS कैटेगरी का जा सकता है। वही SC की बात की जाए तो देख सकते हैं SC की 88 से लेकर 90 के बीच में जाएगा, काफ़ी अच्छा इन लोगों की मेट जाएगी SC कैटेगरी की, क्योंकि इन लोगों की सीटें काफ़ी अच्छी हैं। वही पे आप देख सकते हैं बात की जाए यहाँ पे ST कैटेगरी की तो 87 से 90 जाएगा, इन लोगों का 95% तक चांस हो जाता है इसमें होने का। आप लोग देख सकते हैं और EWS कैटेगरी की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं 86+ में अगर आप हैं तो आप लोगों का 95% तक चांस बन जाता है आपका इसमें होने का। अब बात की जाए इंदौर सिटी के बारे में, इंदौर सिटी के बारे में बात की जाए तो आप देख सकते हैं 93 से 95+ में आप हैं, जिससे 93 से 95 के बीच में है, तो आपका 90% तक चांस बन जाता है इसमें होने का। और वही बात की जाए इन OBC कैटेगरी की तो देख सकते हैं 92 से लेकर 93 के बीच में है, तो इन लोगों का काफ़ी अच्छा चांस बनने वाला है इसमें होने का, क्यों लोग इन लोगों का 93% तक चांस बन जाता है इसमें होने का। अब बात की जाए EWS कैटेगरी की तो 92+ में है, तो भी आपका अच्छा खासा चांस बनता है इस कैटेगरी आपका मतलब इस जॉब में होने का। वही देख सकते हैं यहाँ पे SC की बात की जाए तो देख सकते हैं 87 से लेकर 91 जाएगा, अगर आप 87 से 91 के बीच में हैं तो आपका 96% तक चांस बन जाता है होने का। और यहीं पे ST की बात की जाए तो आप 85 से लेकर 89 के बीच में हैं तो आपका 95% तक चांस बन जाता है होने का। वही बात की जाए PWD कैटेगरी की बात की जाए 85+ में आप हैं PWD और इंदौर सिटी से हैं, तो आप लोगों का 98% तक चांस बन जाता है आपका इसमें होने का। वही बात की जाए आप मोफुसिल के लिए इंदौर मोफुसिल के लिए बात की जाए तो देख सकते हैं 91 से लेकर 94 तक इन लोगों की मेरिट जा सकती है जनरल की। OBC की बात की जाए तो 90 से लेकर 92 जाएगा, जो काफ़ी अच्छा मेरिट जाने वाला है OBC के लिए। और यहीं पे बात की जाए EWS कैटेगरी की तो 90+ में जा सकता है, क्योंकि मोफुसिल में सीटें काफ़ी अच्छी हैं और इंदौर सीटें में भी दोनों काफ़ी सीटें अच्छी हैं, तो इन दोनों की सीटें में काफ़ी अच्छी खासी फाइट होने वाली है इन दो सीटों के बारे में। बात की जाए यहाँ पे SC कैटेगरी देख सकते हैं 85 से लेकर 89 के बीच में जा सकता है, जी दोस्तों 85 से लेकर 89 के बीच में जा सकता है। वही बात की जाए ST कैटेगरी की तो 84 से लेकर 88 के बीच में जा सकता है, इन लोगों का 95% तक चांस बन जाता है इसमें सिलेक्शन होने का, क्योंकि 84 से लेकर यहाँ पे रुकिए एक मिनट मैं दिखा देता हूँ आपको,
84 से लेकर जब 88 तक जाता है तो उन लोगों का काफ़ी अच्छा चांस बन जाता है इसमें सिलेक्शन होने का। वही बात की जाए यहाँ पे 83 से लेकर देख सकते हैं 83 प्लस में PWD कैटेगरी के जा रहा है, PWD कैटेगरी का 83 प्लस में जा रहा है तो इन लोगों का काफ़ी ज़्यादा चांस बन जाता है इसमें होने का। अब हम लोग बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, उसका वेट करिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जरूर।